बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे पोहा कटलेट। पोहा कटलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है मोटा वाला पोहा, उबले हुए आलू, कॉर्नफ्लेक्स है, बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, नींबू का रस, हरी मिर्च, कटी हुई प्याज और कुछ ड्राई मसाले ले लिए हैं, जिसमें है लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर, हींग, अजवाइन, चाट मसाला पाउडर, नमक और हल्दी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोहा को अच्छे से धो लेंगे। इसे अच्छे से एक बार हमें अच्छे से धो लेना है। यहाँ पर हमने एक छन्नी ले ली है, उसके अंदर इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। इसका पूरा पानी निकाल लिया है, इसे 5 मिनट हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है एक बाउल। अब इसके अंदर हम डाल देंगे उबले हुए आलू, मैंने मैश कर लिए हैं, और इसमें हम डाल देंगे ये भीगा हुआ पोहा, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, बेसन और ये जो सारे मसाले हमने ले लिए हैं, नमक, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, आमचूर पाउडर, हींग, अजवाइन, हल्दी, चाट मसाला पाउडर, मैंगो पाउडर और नमक। अब इन सबको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक डो बना लेंगे। यहाँ पर हमने इसका डो बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इसके कटलेट बना लेंगे। अब हम हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और जैसे आपको बनाने हैं उतने बड़े आप ले लीजिए। मैं हार्ट शेप में बनाऊंगी। इसे हम अच्छे से चपटा कर लेंगे। इस तरीके से हमने बना लिया है और मेरे पास ये कटर है हार्ट शेप, मैं इसी से कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा निकाल देंगे और इसी तरीके से हम सारे बना करके तैयार कर लेंगे। आप जिस शक्ल के भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, लंबे, गोल, इस तरीके से भी बना करके तैयार कर सकते हैं, इस तरीके से भी बना कर तैयार कर सकते हैं, इस तरीके से भी बना कर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब बना करके तैयार कर लिए हैं। अब इसे करते हैं साइड। यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा, इसका एक घोल बना लेंगे, स्लरी बना लेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल हमारा बन गया है, अब इसे कर देंगे साइड। अब यहाँ पर हमने एक प्लेट ले ली है, उसके अंदर हम डाल देंगे ये कॉर्नफ्लेक्स और इसे अच्छे से चूर लेंगे। इसका बिल्कुल चूरा बना लेना है हमें। आप कॉर्नफ्लेक्स की जगह पर ब्रेड क्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स को हमने अच्छे से चूर कर लिया है, क्रश कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो स्लरी बना ली है उसे भी ले लेंगे। अब हमने जो कटलेट बना लिए है स्लरी में पहले डिप करेंगे। ये कॉर्नफ्लेक्स इसके ऊपर कोट कर देंगे। इसी तरीके से हम सब कोट कर लेंगे। सब हमारे कोट हो चुके हैं, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। गैस पे पैन चढ़ा दिया है, उसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। दोनों साइड से हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप इसे बनाकर फ्रीज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, जब चाहिए तब फ्राई करें। कटलेट हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। क्रिस्पी पोहा कटलेट हमारा बन करके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।